हे फ्रेंड्स, क्या आपको लंबे बाल पसंद है बट आपके बाल लंबे नहीं होते हैं जल्दी से? तो ये एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जो आपके बालों को तेजी से ग्रो करेगी, उसे तेजी से लंबा करेगी, और साथ ही में अगर आपके बाल झड़ रहे हैं उसे भी ये रोकेगा, और आपके जो गंजेपन की शिकायत होने लगी है वो भी इससे खत्म होने वाली है। ये 2-in-1 रेमेडी है। मेरी रेमेडीज फ्रेंड्स इजी एंड क्विक होती है और नेचुरल भी होती है, तो ये आपको बेनिफिट जरूर देती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो स्टार्ट करते हैं। झड़ते बालों से परेशान है तो हर एक दूसरा व्यक्ति आपको यही सलाह देगा कि प्याज जरूर ट्राई कीजिए, प्याज का रस ट्राई कीजिए, लेकिन इसे बालों में नहीं लगाना चाहिए। क्या ये आपको पता है? आपको अगर सही जानकारी नहीं है कि प्याज का रस कहाँ और कैसे और कब लगाना है तो फिर आप ये वीडियो पूरा देखिए। तो हम प्याज ले लेते हैं और इसे कट कर लेते हैं इस तरह से। प्याज का रस आपके गंजेपन को भी खत्म करने में मददगार साबित होता है और यह आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये रस किस तरह से लगाना चाहिए इस बारे में बेहद कम लोग को सही जानकारी है। तो यही जानकारी मैं आज इस वीडियो में दूंगी। देखिए, प्याज को इस तरह से काट लिया है मैंने छिलकर। अब मिक्सी जार ले लेंगे और इसमें मैं डाल दूंगी ये प्याज के टुकड़े। बेसिकली हमें प्याज का रस चाहिए। तो जब भी आप ये DIY ट्राई करें, फ्रेश ही बना के ट्राई करें। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने पीस लिया है। अब एक रुमाल ले लेंगे या मलमल का कपड़ा ले लीजिए, या आप स्ट्रेनर का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसे निकाल लेंगे इसमें और इसको अब निचोड़ कर इसका अच्छा सा रस निकाल लेंगे। ये देखिए, एकदम फ्रेश। प्याज की स्मेल थोड़ी पंजेंट होती है मैं मानती हूँ, बट ये हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी असरदार रेमेडी बनके रेडी होने वाली है। तो ये देखिए, इस तरह से आप प्याज का रस निकाल लीजिए। देखिए, फ्रेश हमारा ऑनियन जूस बनके रेडी है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल की बात करूं मैं फ्रेंड्स तो ये आपके बालों को रीग्रो करने में हेल्प करता है, आपके बालों को झड़ने से रोकता है ये। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम अगर आपको नॉर्मली रहती है तो आप कोई भी तेल लगाते हो, बट हफ्ते में एक बार कैस्टर ऑयल ज़रूर लगाइए। अब इसमें डाल देंगे हम 1 विटामिन ई की कैप्सूल। तो इस तरह से आप डाल दीजिए विटामिन ई की कैप्सूल। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप विटामिन ई आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको डालना ही डालना है। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने डाल दिया है, इसे अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से दिखेगा कैसे पिंकिश कलर आया है ऑनियन की वजह से। अब मैं आपको बताती हूँ इसे अप्लाई कैसे करना है। इसे अप्लाई करने से पहले आप आपके बालों की अच्छी तरह से कंघी कर दें, जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ। फिर हम हमारी रेमेडी ले लेंगे और ये कॉटन ले लेंगे। इस तरह से डिप कर लूँगी मैं कॉटन रेमेडी में। और अब इसे लगाना कहाँ है? आपको इसको सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, बिल्कुल आपके हेयर लेंथ पे नहीं लगाना है। फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, हेयर लेंथ पे नहीं लगाना है, अदरवाइज आपके बालों में नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, सिर्फ रूट्स पे लगाना है, और अच्छी तरह से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको मालिश करनी है। फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से। इसे 2 घंटे से ज़्यादा ना लगा के रखें आपके बालों में। आप इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू कर लीजिए। ये जो रेमेडी है हमेशा फ्रेश बना के आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इसे 4 से 5 दिन के लिए स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, बट मेरी मानिए तो हमेशा फ्रेश प्रिपेयर करके ही आप इसे अप्लाई करें। इसको आप रात को अप्लाई करके कभी मत सोइए, गलत तरीके से यूज करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इसलिए आप 2 घंटे से ज्यादा ना रखें और वॉश कर ले अच्छी तरह से, हफ्ते में 2 बार यूज करें। और चलिए, फ्रेश ही यूज करेगा और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी ये रेमेडी। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे ब्यूटी एंड ब्रेन्स चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।